बच्चों क्लैपिंग तो करो, सो रहे हो क्या? फैलाना ही नहीं है बल्कि यह आम लोगों को अवसर प्रदान करता है कि
ये रोग किसी के हाथ मिलाने से, गले मिलने से नहीं फैलता, खाने खाने से नहीं फैलता। इसमें जैसे यह रोग को हम खत्म करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बना पाए हैं। इसको इसकी रोकथाम को कम करने के लिए एंटीरिट्रोवायरल नाम की दवाई दी जाती है और यह रोग माँ के दूध के पीने से फैलता है। सर्वप्रथम 1970 में अमेरिका में एड्स का पहला केस सामने आया। उस समय 200 वैज्ञानिकों ने अमेरिका में एक सम्मेलन भी किया। उसके बाद 1988 में एड्स को मान्यता देने की औपचारिक रूप से और 1 दिसंबर 1988 से विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक लाल रिबन है, जो कि 1991 में किया। एड्स जैसा कि मैंने बताया कि एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। इसके कारण मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उसे कई अन्य रोग और लग जाते हैं। और क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसके कारण उसका शरीर उन बीमारियों से बचाने में उसको सक्षम नहीं कर पाता। सामान्यतः एड्स का रोग होने के बाद भी रोगी को पता चलने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, जिसके बाद यदि वह अपना इलाज भी करवाता है तो 3 से 4 साल के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। एड्स किन कारणों से फैलता है? एड्स संक्रमित व्यक्ति को अपना खून देने से या किसी एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से। यदि किसी महिला को एड्स हुआ है और उस समय वह गर्भ धारण करती है तो उसके शिशु को भी यह रोग हो सकता है। इसके साथ ही यदि कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति दाढ़ी बनाता है तो उसके ब्लेड से यदि कोई अन्य व्यक्ति दाढ़ी बनाता है तो उसे भी यह रोग हो सकता है। एड्स के लक्षण, एड्स के जो कुछ प्रमुख लक्षण हैं वो इस तरह से हैं। लसिकाओं ग्रंथिकाओं में सूजन, बार बार बुखार आना, सिर दर्द होना, शरीर का कमजोर हो जाना, याददाश्त चली जाना, नाक कान गले आदि पर बैगनी और लाल रंग के निशान मिलना। एड्स जो इतना भयानक रोग बन चुका है, इसके 2 प्रमुख कारण। पहला, एड्स एक ऐसा साथ रोग है जिसका उपचार अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला, इस पर प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। दूसरा, समाज में लोगों के मन में एड्स रोगी के प्रति जो भ्रम है, वह एड्स रोगी को हीन भावना से देखते हैं। वह समझते हैं कि इसके साथ रहने से, खाने पीने से, हाथ मिलाने से या इसके साथ कहीं घूमने जाने से हमें भी यह रोग हो सकता है, इसलिए वह उसका तिरस्कार करते हैं। समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता है। कुछ डॉक्टरों के द्वारा भी एड्स, जो कि जिन्हें सबसे ज़्यादा इसमें योगदान देना चाहिए, वे भी एड्स पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध हीन भावना रखते हैं। वास्तव में सरकार के द्वारा भी कुछ कानून लाए गए जिनके द्वारा यदि आप किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति का बहिष्कार करते हैं या उसे हीन भावना से देखते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो आपके सजा दी जाएगी और कानून कड़े बना दिए गए हैं। डॉक्टरों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। एचआईवी जो विषाणु है, वह डॉक्टर वैज्ञानिकों को पता चला है कि 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर भी जीवित नहीं रह सकता, या खारे पानी में भी वे विषाणु जीवित नहीं रह सकते। कुछ समय पहले एक शोध किया गया था जिसमें 21 एड्स पीड़ित महिलाओं जो कि गर्भधारण जिन्होंने किया था उनमें से जो उन्होंने शिशुओं को जन्म दिया, 20 बच्चों को एड्स नहीं हुआ। हालांकि डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए, परंतु फिर भी इस संबंध में एक सकारात्मक प्रयास है। इसके साथ ही एड्स का जो एक मुख्य उपाय है वह केवल एड्स से बचाव ही है। एड्स से बचाव किस तरह से एड्स पीड़ित व्यक्ति को अपना नकारी प्रयादा करता हूँ कि होने हमें वर्ल्ड एड्स भी याद है। हर साल कई पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे लेक्चर हो रहे हैं, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं कॉलेज में, तो ये प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। जानकारी जितने ज़्यादा बच्चों में आएगी, जितने ज़्यादा लोगों के अंदर जाएगी, उतना ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अभी पूजा गुरु ने बताया कि ना छूने से फैलेगा, ना साथ रहने से फैलेगा। एचआईवी एड्स तो केवल असावधानी से फैलेगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे व्यवहार से रिलेटेड है। ये अपने आप बीमारी नहीं आती हमारे अंदर, ये दूसरे से प्राप्त होती है बीमारी।
एड्स का मतलब ही है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बाहर से प्राप्त किया हुआ इन्फेक्शन और रोगों का समूह। एड्स के अंदर कई प्रकार की बीमारियों का समूह बन जाता है, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं, जिससे हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो HIV वायरस है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम CD4 टी ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ये वायरस मारना शुरू करता है और उसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है और उस कमी होने की वजह से हमारा सुरक्षा तंत्र टूट जाता है। हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, सुरक्षा तंत्र, वो टूट जाता है, वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे इन्फेक्शन जितने भी हैं, चाहे वो बुखार हो, लूज मोशन हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, कोई दाने खुजली हो, उल्टी दस्त हो, वेट का घटना हो, TB हो, ये सारी बीमारियां बार बार होनी शुरू हो जाती हैं। और खास बात यह है कि दवाई लेने पर भी ये ठीक नहीं होगी, तो ये इसकी पहचान होती है कि बार बार ये बीमारी का रिपीट होना और साथ में वेट का लॉस हो जाना, शरीर ज्यादा कमजोर हो जाना, ये इसकी पहचान होती है। तो कोई भी बीमारी इसके अंदर आ सकती है और इसका केवल पता लगाया जा सकता है HIV टेस्ट से। और ये टेस्ट ब्लड से होता है और कोई इसका जरिया नहीं है, केवल ब्लड टेस्ट के द्वारा ये HIV टेस्ट हो सकता है। और उस टेस्ट को हम कहाँ करवा सकते हैं? ICTC केंद्र में, हर एक सरकारी जिले का सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह ICTC सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाकर हर व्यक्ति HIV टेस्ट डायरेक्ट बिना किसी पर्ची के आप ICTC केंद्र में जाकर अपना HIV टेस्ट करवा सकते हैं। और इस साल की थीम भी यही है, हर साल थीम मनाई जाती है, तो इस साल की थीम है कि मैंने तो अपना स्टेटस प्राप्त कर लिया, क्या आपने HIV टेस्ट करा के अपना स्टेटस पता किया? ये इस साल की थीम थी। तो यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना HIV टेस्ट कराया हुआ है? केवल हाथ खड़ा करेंगे। है कोई ऐसा बच्चा? कोई भी नहीं है। देखो, इतनी जागरूकता होने के बाद भी यहाँ पे एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ है जिसने HIV टेस्ट कराया हो। तो ये आप ध्यान रखें, HIV टेस्ट साल में एक बार आप वैसे ही करवा लेना चाहिए। वहां आपको काउंसलिंग भी होगी, पहले काउंसलिंग दी जाएगी, फिर टेस्ट करवाया जाएगा और फिर पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होगी कि इसकी रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट का आपको मतलब बताया जाएगा। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो मन में विचार आते हैं HIV एड्स के प्रति, शरीर के प्रति, किसी और बीमारी के प्रति, गुप्त रोगों की बीमारी के प्रति, यौन रोगों के बीमारी के प्रति, सबका आपको पूरा जवाब दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को गलतफहमी ना हो। क्योंकि एक शब्द आता है अधूरा ज्ञान खतरा जान। आपकी एज कम है, आपके पास कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, आप एक दूसरे से सलाह करोगे, कोई आपको दिक्कत हो जाएगी, इंटरनल दिक्कत हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? आपस में सलाह करें, ऐसे कर ले, मैंने सुना है, ऐसे कर ले, उसने मेरे को बताया था, कोई बड़े बच्चे ने कि ऐसे कर लो, ये करने से ये ठीक हो जाएगा, वो अधूरा ज्ञान है। तो कभी ये नहीं करना चाहिए। अब आपके पास स्पेशलिस्ट काउंसलर है, फरीदाबाद के अंदर 3 काउंसलर है जो ICTC सेंटर है, एक तो बल्लभगढ़ में आपके सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़, 9 बजे से लेके 3 बजे तक कभी भी आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। बी के हॉस्पिटल में, TB डिपार्टमेंट में और ESI मेडिकल कॉलेज 3 नंबर,
डीएवी कॉलेज के पास पड़ता है, वहां पे भी काउंसलर आईसीडीसी सेंटर है, तो वहां पर भी कोई भी कदम वहां आकर प्रॉपर डिस्कस करिए, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। जो भी आप वहां पे आते हो, कोई भी व्यक्ति आता है, पर्सनल काउंसलिंग होगी, उसकी सारी व्यक्तिगत जानकारी, पूरी जानकारी गुप्त रखी जाती है, किसी को नहीं बताई जाती, कोई पूछने भी आता तो भी नहीं बताई जाती। तो आप इस बात पर निश्चित रहे कि कोई पूछेगा, कोई देखेगा, क्या करेगा, नहीं, आप सही जानकारी लेने आए, सही जानकारी और पूरी जानकारी दूर रखे एड्स की बीमारी। यदि आप जानकारी नहीं लोगे तो आप इस बीमारी से नहीं बच सकते, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी है चाहे एड्स, इसका कोई अभी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं निकला। तो आप जानकारी लेकर ही पूरी लाइफ में अपने आप को बचा सकते हो। तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, एचआईवी एड्स, जैसे अभी बच्चों ने बताया कि किस प्रकार एचआईवी एड्स फैलता है, मुख्य रूप से चार कारण हैं। ज्यादा समय नहीं है, मैं थोड़े समय में आपको बताऊंगा, आपका एग्जाम भी है, मेरे को भी दूसरे प्रोग्राम में जाना है। तो चार चीजें बताइए, एक तो इन्फेक्टेड सिलिंज के द्वारा, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा, तीसरा असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, चौथा गर्भवती महिला से उसके पैदा होने वाले बच्चे को। ये चार मुख्य कारण है जिनसे चाहिए उसको, और एक सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है, लगभग 60-70% जो एचआईवी फैलता है वो